दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बारे में जानने वाले हैं। अनुष्का शर्मा आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी ये बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एक साधारण शक्ल सूरत और एवरेज एक्टिंग के बावजूद अनुष्का को आखिर इतनी सफलता मिली तो मिली कैसे। वाकई में इनके पास टैलेंट है या कुछ और बात है। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम अनुष्का शर्मा की वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनुष्का के पिता अजय कुमार शर्मा आर्मी में कर्नल थे और माँ आशिमा हाउसवाइफ थी। अनुष्का का एक बड़ा भाई भी है जो कि फिल्मों में प्रोड्यूसर है, लेकिन वो पहले मर्चेंट नेवी में थे। नेवी से रिटायरमेंट लेकर वो बाद में फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। अनुष्का के स्कूलिंग और कॉलेज की बात करें तो वो बेंगलुरु से हुआ है। अनुष्का ने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है और बीए करने के बाद मॉडलिंग में उसने ट्राई करना शुरू कर दिया था। साल 2007 में अनुष्का को पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। उसके बाद वो फिल्मों में ट्राई करने के लिए मुंबई आ गई थी। मुंबई में जब वो फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू किए तो पहली फिल्म मिली यशराज बैनर की रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें लीड रोल में थे शाहरुख खान और उसके साथ थी अनुष्का शर्मा। इस फिल्म के दौरान अनुष्का शर्मा के साथ एक वाकया हुआ था जो उसने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उसने बताया था कि जब उसे यशराज बैनर ने अपने फिल्म के लिए साइन कर लिया था तो करण जौहर ने आदित्य चोपड़ा को अनुष्का शर्मा को अपनी फिल्म में न लेने को कह दिया था, क्योंकि करण जौहर को अनुष्का शर्मा की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन यशराज बैनर ने अनुष्का के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। अनुष्का की पहली फिल्म रिलीज हुई जो कि बहुत ही सुपरहिट साबित हुई। बस फिर क्या था, बॉलीवुड में अनुष्का की गाड़ी चल निकली। लेकिन इस फिल्म सफर में अनुष्का के करियर बनाने में जो सबसे बड़ा रोल था वो था करण जौहर का, जो कि न सिर्फ अनुष्का को नापसंद करता था बल्कि इंडस्ट्री में अपना दबदबा भी रखने की कोशिश करता था। अनुष्का ने करण के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए वो जान चुकी थी कि अगर उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करना है या फिर लंबे समय तक स्टैंड रहना है तो करण जौहर के तलवे चाटने ही पड़ेंगे। फिल्मों की बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी के बाद अनुष्का शर्मा की अगली फिल्म आई थी बदमाश कंपनी, जिसमें अनुष्का के साथ में लीड रोल में था शाहिद कपूर। इसी फिल्म से इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ था। इन दोनों का अफेयर लगभग 2 साल तक चला था। इन दोनों का ब्रेकअप तब हुआ जब अनुष्का की फिल्म आई बैंड बाजा और बारात, जिसमें इसके साथ लीड रोल में था रणवीर सिंह। दरअसल रणवीर सिंह ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अनुष्का के साथ रणवीर की फिल्म इसलिए आई थी क्योंकि रणवीर सिंह करण जौहर का चहेता था, इसलिए यही सोचकर अनुष्का ने रणवीर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और करण जौहर के गुड एंड फेवरेट बुक में शामिल होने के लिए रणवीर सिंह को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। बॉयफ्रेंड की लिस्ट में अनुष्का का पहला बीएफ तो छूट ही गया। जी हां दोस्तों, अनुष्का फिल्मों में आने से पहले बेंगलोर में जब मॉडलिंग किया करती थी तो वहीं उसकी मुलाकात हुई थी जोहैब यूसुफ नाम के लड़के से, जो कि एक सेटल मॉडल था। यही बंदा अनुष्का का पहला प्यार है। जोहैब यूसुफ ने मॉडलिंग में पैर जमाने के लिए काफी ज्यादा मदद की थी। जोहैब यूसुफ और अनुष्का दोनों एक साथ मुंबई आए थे, लेकिन अनुष्का को अपने हिडन टैलेंट के दम पर पहली मूवी बहुत ही जल्दी मिल गई और बहुत ही आसानी से मिल गई थी। वैसे अनुष्का ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड में आने के लिए उसने भी मी टू झेला है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। उस समय उसका ये बयान काफी चर्चा में भी था, जिसके बाद उसकी शायद ही कोई सुपरहिट मूवी आई हो। रणवीर सिंह से अफेयर के बाद अनुष्का करण जौहर से भी दोस्ती बढ़ाने में लगी रही थी, जिसमें वो जल्दी सफल भी हो गई थी, क्योंकि करण जौहर से दोस्ती का सिर्फ एक ही नियम है, चापलूसी करो, चुमा चाटी करो और उसका दोस्त बन जाओ। रणवीर सिंह के बाद नंबर लगा दोस्तों रणवीर कपूर का। दरअसल रणवीर सिंह को अनुष्का ने इसलिए पकड़ा था ताकि करण जौहर को अपना दोस्त बना सके, जो काम उसने पूरा भी कर लिया था, क्योंकि अनुष्का अच्छे से जानती थी कि रणवीर सिंह उसे फिल्में दिलाने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद उस समय एक न्यू कमर था। यही कारण था कि करण से दोस्ती पक्की करने के बाद अनुष्का ने रणवीर सिंह को छोड़कर रणवीर कपूर से प्यार की बीन बजानी शुरू कर दी। रणवीर कपूर और अनुष्का का अफेयर भी ज्यादा सुर्खियों में रहा था उस समय पर, लेकिन इन दोनों के बीच आ गया सुरेश रैना। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी सुरेश रैना।
रैना और अनुष्का की मुलाकात में अनुष्का का जो बड़ा भाई है उसका बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल अनुष्का का बड़ा भाई नेवी में जॉब करने से पहले स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन उनकी जॉब नेवी में लग गई तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। खैर, रैना और अनुष्का का भाई एक साथ स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं और वहीं से वो दोस्त भी बन गए थे। अनुष्का का भाई और सुरेश रैना जब घर पर मिलते थे तो घर पर कभी कभी अनुष्का भी मिल लिया करती थी। वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अनुष्का और सुरेश रैना उस समय एक दूसरे पर काफी ज्यादा सीरियस रहते थे, इसलिए इनका भी अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दोस्तों, सोशल मीडिया खबर के मुताबिक अनुष्का और उसका परिवार किसी समय पर हिंदू धर्म का सम्मान करने वाला परिवार माना जाता था। हरिद्वार में इनका परिवार एक धर्म गुरु के यहाँ पर हर साल दर्शन करने के लिए जाया करते थे, लेकिन फिल्मों में आने के बाद, काम करने के बाद बॉलीवुड में, खासकर करण जौहर और अनिल मुसर्रत से दोस्ती करने के बाद में अनुष्का ने परिवार के साथ में हरिद्वार जाना ही छोड़ दिया। खैर, फिल्मों की बात करें तो अनुष्का को लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ में फिल्में करने का मौका लगातार मिल रहा था, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड में ना कोई गॉडफादर था और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम, फिर कैसे अनुष्का ने एक भी फिल्म छोटे एक्टर के साथ में नहीं की। हर फिल्म जिसमें इंडस्ट्री के सो कॉल्ड फिल्म स्टार काम कर रहे थे उसमें लगातार इसे क्यों कास्ट किया जा रहा था। रब ने बना दी जोड़ी, बदमाश कंपनी, पटियाला हाउस, बैंड बाजा और बारात, जब तक है जान, पीके, बॉम्बे वेलवेट, दिल धड़कने दो और सुल्तान, ये जितनी भी फिल्में हैं सब बड़े बड़े एक्टर के साथ में थी। इसमें रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी शामिल थे और ये दोनों ही नेपो किड थे, और इनके अपोजिट उन्हीं पॉपुलर अभिनेत्रियों को लिया जाता था जो कि इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर लिए होते थे। यानी पहली फिल्म के बाद में अनुष्का ने इंडस्ट्री में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी, इसके बाद उसने सिर्फ बड़ी फिल्में ही साइन की थी। इंडस्ट्री के बारे में अभी तक जितना मैं जान पाया हूँ उससे तो ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में कोई भी रोल हो, चाहे छोटा हो या बड़ा रोल हो, इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता है। जी हाँ, और इतना आसान नहीं है बॉलीवुड। और बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि बिना कॉम्प्रोमाइज का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं मिलता, चाहे छोटा रोल क्यों ना हो। लेकिन बड़े बड़े बैनरों और एक्टर्स से तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो किसी भी महिला का बिना कॉम्प्रोमाइज के अपने साथ काम करने को राजी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुष्का या फिर किसी और एक्ट्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कॉमेंट कर जरूर बताना। अनुष्का की फिल्मों में शुरुआत हुई थी यशराज बैनर से, जो कि हर एक्टर के साथ में 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसके बारे में आप सबको पता भी होगा। यदि किसी बड़े बैनर के साथ काम करके किसी अभिनेता या फिर अभिनेत्री की लाइफ सेट हो जाती है तो वो ऐसे ही मुफ्त में किसी को भी लीड रोल नहीं दे देते हैं। पहले यशराज बैनर, फिर करण जौहर का अनुष्का के सिर पर हाथ, यही कारण था कि अनुष्का ने आज तक सिर्फ बड़ी फिल्मों में ही काम किया है। करण जौहर गैंग में शामिल होने के बाद में इसे कभी भी आउटसाइडर नहीं बोला गया। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी जैसे आउटसाइडर्स एक्टर की तरह अनुष्का के लिए कभी भी ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिखे गए, न ही इनके फिल्मों को कभी कम रेटिंग दी गई, कभी भी इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया जैसे कंगना और सुशांत के साथ होता रहा है, और इसका कारण है करण जौहर। इधर सुरेश रैना के बाद अनुष्का के लाइफ में आया अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर से अफेयर भी करण जौहर की ही मेहरबानी का नतीजा था। करण ने ही इन दोनों की मुलाकात करवाई थी। करण के बारे में जो नहीं जानता उन्हें बता दो कि फिल्म मेकर होने के साथ साथ किससे किसकी सेटिंग करानी है, किसकी किससे सेटिंग टुड़वानी है, ये सारी ही चीजें डिजाइन करता है। करण जौहर के घर में ड्रग्स पार्टी तो खुलेआम होती है, उसकी वीडियो आप सभी ने देखी भी होगी। बीच में जो दीपिका पादुकोण के साथ जो वीडियो आई थी काफी वायरल हुई थी। अनुष्का के पर्सनल लाइफ में अर्जुन कपूर के बाद नंबर आया विराट कोहली का। विराट कोहली से अनुष्का ने शादी की क्योंकि उसे फिल्मों में जो नेम, फेम, पैसा चाहिए था वो उसने पहले से ही हासिल कर लिया था। यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह आज भी इन लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक है अनुष्का शर्मा। और इनकी पसंदीदा क्यों है ये अब सारी दुनिया जान चुकी है, और सच्चाई भी यही है कि जमाना अनुष्का शर्मा जैसे लोगों का ही है। स्मार्टली तरीके से तलवे चाटने के साथ साथ फिल्म मेकर के सभी शर्तें मानने को हमेशा तैयार रहते हैं।